31 अक्टूबर को देश भर में इंदिरा गांधी की जयंती मनाई गई। उज्जैन के प्रियदर्शनी चौराहा स्थित इंदिरा गांधी की प्रतिमा पर कांग्रेसियों ने माल्यार्पण कर उन्हें याद किया। प्रदेश सचिव ने और कांग्रेसियों ने आज इंदिरा गांधी के आगामी दिनों में होने वाले लोकतंत्र परीक्षा में लोकतंत्र को जिंदा रखने की कामना की। 31 अक्टूबर को देश भर में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि मनाई गई। इंदिरा गांधी 1966 से 1977 तक 3 पारी के लिए प्रधानमंत्री रही थी। भारत की वो पहली एकमात्र महिला थी जो प्रथम प्रधानमंत्री रही। इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर उज्जैन शहर में इंदिरा गांधी प्रतिमा चौराहे पर कांग्रेस जनों ने माल्यार्पण किया। प्रतिमा पर पुष्प चढ़ाकर पुष्पांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस प्रदेश सचिव चेतन यादव ने बताया कि देश को एक ऐसा रत्न मिला है जिसने माँ दुर्गा का प्रतिबिंब को उजागर किया और हिंदुस्तान को भौतिक और राजनीतिक नक्शा जो आज हम देखते हैं जो इंदिरा जी की देन है। आज जो लोकतंत्र जिंदा है वो इंदिरा जी, नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की वजह से जिंदा है। वहीं आज सभी कांग्रेसियों ने इंदिरा जी से कामना की है। हम कामना करते हैं कि लोकतंत्र इस परीक्षा में जीते। आज इंदिरा गांधी जी की जयंती है। आज इस देश को एक ऐसा रत्न मिला जिसने माँ दुर्गा के प्रतिबिंब को उजागर किया और आज हिंदुस्तान का जो भौतिक और राजनीतिक नक्शा आप और हम देखते हैं ये स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की देन है। आज हिंदुस्तान का मजबूत लोकतंत्र अगर जिंदा है किसी की वजह से तो हमारे राष्ट्रीय नेता इंदिरा गांधी जी, नेहरू जी और कांग्रेस पार्टी की वजह से आज हमारा लोकतंत्र मजबूत है। आगामी समय में फिर लोकतंत्र की एक परीक्षा होने जा रही है तो आज हम इंदिरा गांधी जी की जयंती पर ये कामना करते हैं कि हमारा लोकतंत्र जिंदाबाद रहे।